हाय दोस्तों, बी आर लेक्चर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए कुछ हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीही समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। बताइए दोस्तों, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? तो दोस्तों, अष्टाध्यायी में हमारा जो है द्विगु समास है, क्योंकि इसका अगर हम समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, ये होगा 8 अध्यायों का समूह। चलिए आगे चलते हैं। समास की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। भरपेट अव्यय भाव, राष्ट्रभक्त तत्पुरुष, देश निकाला बहुव्रीही, हुक्का पानी द्वंद। तो बताइए दोस्तों, इसमें कौन सा समास का एक युग्म है जो अशुद्ध है? तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर पहला हमारा जो है पेट, भर पेट, ये जो है इसका हम समास विग्रह करेंगे तो ये होगा पेट भर, तो ये हमारा जो है अव्यय भाव समास हो जाएगा, तो ये तो सही है। अगला देखते हैं राष्ट्रभक्त, अगर इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, राष्ट्र का भक्त, तो ये भी सही है, तत्पुरुष समास है। चौथा क्या है दोस्तों, हुक्का पानी, इसका समास विग्रह क्या होगा, हुक्का और पानी, तो यहाँ पे हमारा बचा क्या, तीसरा ऑप्शन जो कि होगा हमारा अशुद्ध, इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, देश से निकाला, तो यहाँ पर तो हमारा होगा तत्पुरुष समास जो कि है बहुव्रीही समास, तो ये ऑप्शन जो है हमारा गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा मदिरा का पर्यायवाची नहीं है? सुरा, मधु, अमी, मद। तो बताइए दोस्तों, मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो दोस्तों अमी जो है ये मदिरा का पर्यायवाची नहीं है, ये किसका पर्यायवाची है दोस्तों, अमृत का है। चलिए आगे चलते हैं। मुकुल, कोरक, गुंचा आदि शब्द किसके पर्यायवाची है? कस्तूरी, कलिका, कान, कटी। तो बताइए दोस्तों, ये किसका पर्यायवाची है? तो ये दोस्तों जो है कलिका का पर्यायवाची है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थ शब्द है, यानी सुलभ का विलोम क्या होगा दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। दुष्प्राप्य, अलब्ध, प्राप्य, दुर्लभ। तो दोस्तों सुलभ का पर्यायवाची क्या होगा, सॉरी विपरीतार्थ क्या होगा, तो ये होगा दुर्लभ। आगे चलते हैं। चिरंतर का विलोम है शाश्वत, नश्वर, निरंतर, नैसर्गिक। तो दोस्तों क्या होगा चिरंतर का विलोम? तो दोस्तों चिरंतर का विलोम होगा हमारा नश्वर, यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे चलते हैं। तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही है? कर्राहट का हो जाएगा कड़वा, अष्ट का आठ, कुच्छी कोक, कपित कैथा। तो बताइए दोस्तों, इसमें कौन सा युग्म है जो सही है? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही होगा, कुच्छी का कोक होगा।
यहाँ पे दोस्तों अष्ट का आठ नहीं होता, अष्ट का आठ होता है, तो ये हमारा जो ऑप्शन नंबर बी गलत है। चलिए आगे चलते हैं। तद्भव शब्द का चयन कीजिए, सुर निडर गति कमल। तो दोस्तों यहाँ पर निडर क्या है, निडर जो ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा, निर्दर होगा। आगे चलते हैं। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या है, श्रद्धा प्लस नंद, श्रद्धा प्लस आनंद, श्र प्लस ध्यंद, श्रद्ध प्लस आनंद। तो क्या होगा दोस्तों श्रद्धानंद का संधि विच्छेद, तो दोस्तों श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या होगा, श्रद्धा प्लस आनंद होगा। ये कौन सा संधि है दोस्तों, तो ये हमारा जो है दीर्घ संधि है। चलिए आगे चलते हैं। निराकार का संधि विच्छेद है, निह प्लस आकार, निर प्लस आकार, निरा प्लस आकार, निराका प्लस र। तो बताइए दोस्तों निराकार का संधि विच्छेद क्या होगा। तो दोस्तों निराकार का संधि विच्छेद जो है निह प्लस आकार होगा। ये कौन सा संधि है दोस्तों, तो ये जो है विसर्ग संधि है। चलिए आगे चलते हैं। जिसे बुलाया न गया हो वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है, अतिथि, अभ्यागत, अनाहूत, रिश्तेदार। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों, तो वो सही होगा अनाहूत। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द है, चिर प्रसन्न, कृतज्ञ, आभारी, कृतार्थ। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कृतार्थ। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या है दोस्तों, कृतार्थ है। चलिए आगे चलते हैं। अनुचित लोकोक्ति का चयन कीजिए, अधजल गगरी पलटत जाए, आगे कुआं पीछे खाई, अपनी पगड़ी अपने हाथ, ऊंची दुकान फीका पकवान। तो बताइए दोस्तों इसमें कौन सा है जो अनुचित है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, इसका क्या होगा, अधजल गगरी छलकत जाए होगा। तो यहाँ पे हमारा कौन सा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, कामायनी उच्च कोटि का काव्य है, माता पिता पूजनीय हैं, आपका भविष्य उज्जवल हो, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इसमें कौन सा ऐसा वाक्य है जो अशुद्ध है। तो यहाँ पर जो है हमारा कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही, ऑप्शन नंबर बी, ये क्या है दोस्तों, अशुद्ध है, माता पिता पूजनीय है। तो यहाँ पे हमारा जो है पूजनीय के स्थान पर पूजनीय होना चाहिए, इसलिए ये वाला वाक्य क्या है, अशुद्ध हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। डिब्बा किस शब्द का एक वचन है, डिब्बे, डिबिया, डिब्बा, डिबिया। तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा सही होगा, डिब्बा जो है ये जो है डिब्बे का एक वचन है। चलिए आगे चलते हैं। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक है, 6, 7, 8, 5, कितने कारक है दोस्तों।
वो कितने हैं दोस्तों, 6 हैं। हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आगे चलते हैं। ए क्योंकि वर्तनी शुद्ध है, राजमहल, कुमलांगिनी, निरोग, अक्षोहिणी, कौन सा सही है दोस्तों? तो यहाँ पे हमारा कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा जो है सही होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अच्छा हिड़ी। तो दोस्तों इसमें गलत कैसे हो ये सब हुए? तो यहाँ पर देखिए राजमहल ये जो एक ही में होना चाहिए था, और कोमलांगिनी दोस्तों कोमलांगिनी नहीं होता, कोमलांगी होता है, और निरोग निरोग में जो है दोस्तों छोट नौ पे जो है बड़ी की मात्रा होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये तीनों क्या है, गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा सही कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? पृष्ठ, पर्याप्त, सॉरी पर्याप्त, प्रदर्शनी, ब्रजभाषा। तो दोस्तों पता है इसमें कौन सा सही है? तो इसमें दोस्तों लिखा कौन सा शुद्ध है, तो इसमें लिखा है ब्रजभाषा। ये क्या है दोस्तों, शुद्ध है। इसमें देखिए दोस्तों पहला वाला गलत तो कैसे हो गया दोस्तों? ये पृष्ठ नहीं होना चाहिए, पृष्ठ होना चाहिए, इस हिसाब से क्या है ये गलत हो जाएगा। और दोस्तों पर्याप्त तो नहीं होता है, पर्याप्त होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये क्या प्र दर्शनी नहीं होता है दोस्तों, प्रदर्शनी होता है, तो इस हिसाब से क्या है ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा शुद्ध कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी, ये क्या है, शुद्ध है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थ है? साहस, पुस्तक, अंबर, बालक। तो दोस्तों इसमें कौन सा है जो अनेकार्थ है? तो वो है दोस्तों अंबर। अंबर क्या है दोस्तों? ये अनेकार्थ है। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से शुद्ध रूप है निरोग, पूजनीय, उज्ज्वल, उज्ज्वल, कौन सा शुद्ध है दोस्तों? तो दोस्तों अभी हम इसके पहले भी बात किए थे निरोग में कौन सी मात्रा होनी चाहिए दोस्तों, तो नौ पे जो है क्या है बड़ी की मात्रा होनी चाहिए, तो इस हिसाब से ये क्या है, गलत है दोस्तों। पूजनीय नहीं, पूजनीय होता है, ये भी गलत है। उज्ज्वल में डबल ज होता है, तो ये क्या है, ये भी गलत है। तो यहाँ हमारा सही कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, ये क्या है दोस्तों, सही है।